तो हेलो गाइस, होप आप सभी बढ़िया होंगे। इस वाले वीडियो में आप लोगों को बताने लग रहा हूँ यूपी स्कॉलरशिप का जो भी है, ठीक है, यूपी स्कॉलरशिप का जो भी फॉर्म है चलने लग रहा है, 7 तारीख उसका लास्ट डेट है, ठीक है। अब कुछ लोग पूछ रहे हैं कि आप लोग करवाएं कि ना करवाएं, नए वाले बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं और रिन्यूअल वाले भी परेशान हैं। अब इसमें दिक्कत क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर आप लोग आप अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों का क्या होगा, वो 2 दिन बाद आप लोगों का देता है, 2 या 3 दिन बाद आप लोगों के वेरिफिकेशन के लिए देता है, ठीक है। आप लोगों तभी आप लोग प्रिंट निकलवा के अपना वेरिफिकेशन वहाँ पे करवाएंगे, ठीक है। तो अप्लाई करने का आप लोगों का कब है डेट, 7 तारीख तक है, ठीक है। इसके बाद जब आप लोग करवाएंगे, ठीक है, तो डेट ऑलरेडी एक्सीडेड हो जाएगा, ठीक है। और उसमें वो लोग लिखवा लेते हैं, अगर आप उसके बाद डेट निकलने के बाद अगर आप लोग वहाँ पर करवा रहे हैं वेरीफिकेशन वगैरह, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो लोग आप लोगों से लिखवा लेते हैं कि आप लोगों की स्कॉलरशिप पाने की जिम्मेदारी है या नहीं है, वो टोटल आप पर है, आपकी गलती मानी जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों का स्कॉलरशिप रिस्क में हो जाता है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक फिल नहीं किया है, नए बच्चों ने, रिन्यूअल वाले अभी भी कर सकते हो, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने नए वालों जो करना चाहते हैं, ठीक है, तो अपना अपना सजेशन है, ठीक है, बाकी अगर आप लोग करना चाहते हैं तो अपना कर लीजिए। 2-3 दिन बाद आप लोगों का जो है उसका डेट आएगा, आप लोगों के वो करवाने का, वेरिफिकेशन करवाने का, 75 अटेंडेंस वाला, ठीक है। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि 75 अटेंडेंस वाला जो है वो आप लोगों का कैसी क्या सिस्टम है। तो उसमें सिस्टम ये है कि जो रिन्यूअल वाले बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर वालों की तो अभी क्लासेस वगैरह स्टार्ट थोड़ी बहुत ही हुई हैं, तो उनका अटेंडेंस अभी मेजर नहीं किया जाएगा। अभी मैं रिन्यूअल वालों की बात करने लग रहा हूँ जो थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर या सेवन्थ सेमेस्टर में है, तो उन लोगों का जितनी भी क्लास उन लोगों ने की होंगी, ठीक है, और सेमेस्टर में जितनी भी क्लास उन लोगों ने की हुई होंगी, टोटल उनका 75% उनका अटेंडेंस देखा जाएगा डिपार्टमेंट की तरफ से, तभी जाके आप लोगों को वो वेरीफाई मोहर करके आप लोगों को देंगे। देन आप लोगों को वहाँ पर कैशियर ऑफिस के पास जो छात्रवृत्ति भवन है वहाँ जाके आप लोगों को सबमिट करना है, तभी आप लोग सबमिट कर पाएंगे जब वो डिपार्टमेंट वेरीफाई करेगा कि आपका 75% अटेंडेंस है, ठीक है। तो सर अटेंडेंस का जरूर ध्यान रखिएगा, और जितने भी नए बच्चे हैं वो रेगुलर जाएं, बिना अटेंडेंस के आप लोगों को नहीं मिल पाएगा भाई स्कॉलरशिप, ठीक है, वो लोग वेरीफाई नहीं करेंगे। अब एक बात और यहाँ पे है, डेट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो डेट बढ़ने का भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, डेट बढ़ने का ये है कि जो ऑलरेडी जो हम लोगों के सर हैं, क्या नाम है उनका, संजय मेधावी सर हैं रजिस्ट्रार, उनने ऑलरेडी लेटर भेज चुके हैं। अभी परसों नरसों मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें अभी मीडिया का आर्टिकल था कि उन लोगों ने लेटर ऑलरेडी भेज दिया है गवर्नमेंट को, और जो समाज कल्याण विभाग है उसको, उनसे डेट बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो आप लोगों का डेट में भी एक्सटेंड हो जाना चाहिए, और जैसे ही डेट एक्सटेंड होगा आप लोगों को बता दिया जाएगा तुरंत। तो जिन लोगों को फॉर्म भरना है वो फॉर्म अपना भर सकते हैं, ठीक है, नहीं भरना है नहीं भर सकते हैं, या जो भी आप लोगों को जैसा भी लगे वो आप करिए, ठीक है, आप लोगों का। और जब लास्ट डेट होती है तो फंसने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो मे बी नाइट वगैरह हम करिए आप लोग अगर करना चाहते हैं तो। बाकी सब यही है, बाकी जो भी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो ऑलरेडी मैं एक वीडियो में बता दिया है पूरा स्टेप बाय स्टेप, और फॉर्म कैसे भरना है, रिन्यूअल वाला फॉर्म कैसे आप लोगों को करना है, वो सारी चीज़ें आज हम लोग आज आप लोगों को वीडियो मिल जाएंगे चैनल पे, तो वो जाके देख लीजिए। होपफुली ये 3 क्वेरीज आप लोगों के जो दिमाग में थी वो आप लोगों की थोड़ी बहुत क्लियर हुई होंगी, ठीक है, जो भी चीज़ें वो मैंने बता दी हैं क्लियर करके। तो इस वाले वीडियो में इतना ही, बाकी आप लोगों को सारे प्रोसेस के लिए आप लोग बने रहिए चैनल के साथ, और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।